नमस्कार दोस्तों, न्यू गिल ट्रक बॉडी पातंग के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपको करवा रहे हैं अशोक लेलैंड 4825-16 चक्का गाड़ी का रिव्यू, जिसकी बॉडी और कैबन न्यू गिल ट्रक बॉडी पातना में लगाया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये पंजाब की गाड़ी है, बनूड़ शहर की, मोहाली डिस्ट्रिक्ट की। ये अशोक लेलैंड की दो गाड़ियां कस्टमर हमारे पास लेके आए थे, दो चैसिस। एक पहले जा चुकी है बॉडी लगकर, जिसकी वीडियो इससे पहले हमने अपलोड की है, और ये दूसरी गाड़ी है। तो दोस्तों आइए आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा शानदार काम हुआ है गाड़ी के कैबिन का। सबसे पहले आप स्टील का वर्क देखिए, पूरी हैवी गेज स्टील लगाई गई है गाड़ी, बहुत ही सफाई से काम हुआ है स्टील का। और उसके ऊपर रेडियम टेप की आप वर्क देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर गुड कैरियर की बैजिंग और बाबा जी का मंदिर विचकार में बनाया गया है। और दोस्तों उसके बाद नीचे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर दोनों ग्लासेस के विचकार लगाए गए हैं, और ग्लासेस के ऊपर भी रेडियम टेप का काम, और उसके नीचे होममेड हैंडल देख सकते हैं आप। और इसकी डैशबोर्ड को मेटेलिक पेंट किया गया है कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, और नीचे बम्पर को भी मेटेलिक ओरिजिनल पेंट किया गया है, और हैवी में बम्पर फिटी लगाई गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वर्क बहुत ही शानदार, रेडियम टेप का काम, टोटल काम बहुत ही अच्छा हुआ है गाड़ी का। और साइड से बात करें कैबिन की, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर वाटर प्रूफ प्लाई का टूल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बोर्ड के साथ बनाया जाता है, जो कि सालों साल ख़राब नहीं होता। और उसके नीचे आप देख सकते हैं ये हमारी न्यू गिल ट्रक बॉडी पातना की बैजिंग, और टाकियों के ऊपर आप देख सकते हैं स्टील के गोलों के साथ डिज़ाइनिंग बनाई गई है, और उसके नीचे 4 इंची का महाराजा गोला लगाया गया है, और बदायूं जॉइंट वाला मगराट आप देख सकते हैं, और हैवी में चक्कर प्लेट चादर भी यहाँ पर लगा दी गई है। और दोस्तों नीचे फाइबर लगाई गई है, और यहाँ मैट देख सकते हैं आप टायरों के पीछे। तो दोस्तों अगर बॉडी के बारे में बात करें, तो इसकी 30 फीट लेंथ है बॉडी की, और इसमें टोटली टाटा सिल्क का एंगल बॉडी में 0.6 mm का, ये देखिए इसमें लगा हुआ है, और टाटा की ही चद्दर 12 गेज की, जिसका कि 8x4 का साइज 60 किलो होता है, वो इसमें लगाई गई है। और डबल कुंडी के साथ आप देख सकते हैं ऊपर लरों के साथ है डिज़ाइनिंग। और दोस्तों अगर नीचे बत्तों की बात करें, तो मलेशिया साल के ओरिजिनल बत्ते 9 इंची के गाड़ी में लगाए गए हैं, जो कि हम सभी गाड़ियों में यही यूज़ करते हैं, ओरिजिनल मलेशिया साल, जो कि बहुत ही हैवी लकड़ा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती कस्टमर को। अंडरलोड गाड़ी है, अगर इसको ओवरलोड भी चलाए तो भी बत्तों में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं दिल्ली जाल बनाया गया है, यूरिया टैंकी है साइड, डीजल टैंकी दूसरी साइड है, उसको भी दिल्ली जाल से कवर किया गया है। तो दोस्तों टायरों के ऊपर स्टील के मगराट लगाए गए हैं, और व्हील कप देख सकते हैं टायरों के ऊपर, जो कि गाड़ी की लुक बहुत शानदार बन जाती है। और दोस्तों पीछे देख सकते हैं यहाँ पर टूल बॉक्स बनाया गया है, कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये हमारी न्यू गिल ट्रक बॉडी पातना का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करके कोई भी जानकारी रेट के बारे में, मटेरियल के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर बैक साइड से बात करें, तो पीछे से देख सकते हैं दोस्तों खूब काम हुआ है, रेडियम टेप का बैक साइड डाले के ऊपर देख सकते हैं, रेडियम टेप की डिज़ाइनिंग लाइफ फिट का डाला है गाड़ी का। पीछे कैमरा भी लगाया गया है ड्राइवर भाई को बैक करते समय, बहुत ही इससे हेल्प मिलती है, स्क्रीन में पीछे का व्यू मिल जाता है देखने को। और दोस्तों ऊपर पाइप के स्पेयर फट्टे बना के डाले गए हैं, और उसके ऊपर सीनरी बनाई गई है, पेंटिंग बाइकों के द्वारा पेंटिंग की गई है। और दोस्तों अगर आप लकड़ी के जाए फट्टे, तो लकड़ी के भी डाल देते हैं, लेकिन ये पाइपों के फट्टों का ये फ़ायदा होता है कि ये बींगे टेढ़े नहीं होते, इसकी ये अपनी शेप में बने रहते हैं।
तो दोस्तों दूसरी साइड से देख सकते हैं आप व्यू। और दोस्तों इसमें ओरिजिनल मलेशिया साल की लकड़ी का ही फर्श लगाया गया है गाड़ी में। आपको अंदर से दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत ही सफाई से ये फर्श लगाया गया है, बहुत ही साफ लकड़ी है। और टोटल अंदर से ट्राला देख सकते हैं और ऊपर लकड़ी के ही बत्ते डाले गए हैं। और दोस्तों ये डीजल टैंकी, इसको कवर किया गया है दिल्ली जाल से। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी की बैटरियाँ आती है और बैटरियों की फिटिंग हमने कैबिन के अंदर कर दी है सीटों के नीचे, ताकि चोरी होने का खतरा कोई ना रहे। और बैटरियों को कैबिन के साथ लॉक हो जाती है, यहाँ पे चोरी होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है बाहर। तो दोस्तों ये कैबिन में चलते हैं, कैबिन में बहुत ही अच्छा काम होगा गाड़ी का, आपको दिखाते हैं अंदर से गाड़ी। ये देखिए ट्राला सीनरी टाकी के ऊपर बनाई गई है। और दोस्तों अंदर से देख सकते हैं आप व्यू कैबिन का, टोटली 3D में डिजिटल सनमाइका, बिल्कुल न्यू डिज़ाइनों में। और दोस्तों छत की बात करें तो 5 छता कैबिन है ये, छत के बीच आप LED लाइट्स की डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत उमदा काम हुआ है। और ये लाइटें टाकी के साथ कनेक्ट है, जब टाकी खोलते हैं तो ये लाइटें अपने आप चल जाती है, टाकी बंद करते ही जॉब हो जाएगी। ये ड्राइवर भाई के लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जो कि नहीं कैबिन खोलने के बाद पहले स्विच से अंदर लाइट लगानी पड़ती है, वो अब नहीं होगा, टाकी खोलेगा तो लाइटें चल जाएंगी, टाकी बंद करते ही जॉब हो जाएंगी। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं बॉक्स बनाए गए हैं, और इधर बाबा जी का मंदिर देख सकते हैं स्टील का सामने वाली साइड। और हम ड्राइड में LED स्क्रीन भी आपको साथ में हम लगा के देंगे। दोस्तों सीटों की बात करें तो सीटें देख सकते हैं, बहुत ही हैवी कपड़ा है सीटों का, 5 इंची मोटे गद्दे की सीटें हैं, जो कि सालों साल तक ख़राब नहीं होगी, हमारी फुल गारंटी रहेगी इसकी। और दोस्तों ये मिल्टन के स्पीकर आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और एक बड़ा बॉक्स ये जहाँ मिलेगा यहाँ पे अपना ड्राइवर भाई कोई कपड़े वगैरह रख सकता है, बहुत खुला डुला ये बॉक्स होगा। और दोस्तों ये ट्राला सीनरी देख सकते हैं बैक साइड से, और इसे 24 वोल्ट फैन मिलने वाला है आपको गर्मियों के लिए, और आपको यहाँ पे साथ में मोबाइल चार्जर लैपटॉप चार्जर भी मिलेगा, पॉइंट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी बादशाह पात्रा शहर में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में पड़ती है ये। अगर आप दिल्ली से आएंगे तो दिल्ली से जींद, जींद से नरवाना, नरवाना से खनौरी, और खनौरी से पात्रा सीधा रोड आता है दिल्ली से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।